दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने कर दी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के छोटे से गांव में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदल कर चांदपुर गाँव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास में उस समय उसका इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय बहुत ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू का एक पैर इच्छाधारी सांप के फन पर रखा गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने राजू को काटना चाहा, पीछे से मंगल ने ये देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास ही स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौटकर आई तो अपने नाग को मृत देखकर वो गुस्से से बेसुध हो गई और नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को भी देख लिया। उसके दिमाग में अब बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु वो इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चित किया कि अब वो गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लेगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदल कर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय जब मंगल और राजू पुनः खेत से काम करके घर लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस नागिन ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। ये सुनते ही वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने उसके नाग की हत्या करी थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और वो डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर उस कुएं के पास ही उन दोनों को मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया और अपने प्रण के अनुसार उन दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने या अनजाने में आप किसी भी नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ये गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा ये काम है कि जिस प्रकार हम महादेव शिव की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का